अफोर्ड टू बी इल, आपका एग्जाम आ रहा है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी सिक। ओके चलिए, टेप होम हो गया। अब क्या है, अब देखिए ये क्या करता है परजीवी, ये तो सारा जो आप न्यूट्रिएंट्स आप खा रहे हैं ना, आपके बॉडी से ये पूरा सोख लेता है, तो आपकी बॉडी के लिए कुछ नहीं बचता है, तो आप बहुत बीमार होते जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्लैट वर्म्स। ठीक, एग्जाम्पल में टीनिया लिख लिए, टीनिया सोलियम, और फिर लिख दिए फैसियोला, लिवर फ्लूक, ख़त्म। अब चलिए और इसमें क्या लिख सकते हैं, यहाँ डिजीज़ मतलब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, पैरासिटिक प्रॉब्लम है, वो आप बता दिए, हो गया, ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट आता है एसके हेलमिंस, कौन सा संघ है, चपटे क्रीमी की जगह गोल क्रीमी, गोल क्रीमी, और सब में थोड़ा थोड़ा फोटो बना दीजिएगा, है ना। देखिए ऐसा दिखता है एंडोपैरासाइट, ये किसी पेशेंट के पेट के अंदर कल बताए थे। ठीक है, आंत का फोटो है ये, देखिए एस्के हेलमिंस, इसको लिखिएगा संग एस्के हेलमिंस, हिंदी में चाहिए, शायद नहीं डाले हैं क्या, कुछ तो हुआ है इसमें से हम छोड़ दिए सर, हिंदी में कैसे लिखेंगे एस्के हेलमिंस, अच्छा गोल क्रीमी लिखिए ना जी, गोल क्रीमी है ना, हाँ हेलो, हाँ गोल क्रीमी। अब क्या है, पहली बार इसमें नर और मादा अलग अलग पाया गया, पहली बार, पहला पशु जगत जिसमें नर और मादा को अलग अलग देखा गया, उसी को क्या बोलेंगे, लिंग विभाजित देखा, विभाजन देखा गया ना, इसी को बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ठीक है, अंग्रेजी वर्ड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, कि दो आदमी अलग अलग है, देख रहे हो दमदार मादा बेचारा पतला दुबला नर, ठीक है, ऐसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, बता दे रहे हैं। चलिए तो अब इसमें क्या है, मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग है, सेक्सेस आर सेपरेट, मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, लिखिएगा लिंग विभाजन देखा जाता है, नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं, मादा जो होती है वो बड़ी होती है, नर से बड़ी होती है, फीमेल्स आर ज़्यादातर मादा नर से बड़ी होती है। ठीक है, और एग्जाम्पल यहाँ पे फाइलेरिया का वर्म, फाइलेरिया वर्म, ठीक है, वुचेरेरिया, 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 यही वो राउंड वर्म होता है, ठीक है ना, राउंड वर्म वुचेरेरिया, पूरा नाम है वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी। ठीक है, और ये कैसे घुसता है आपके शरीर में, मच्छर से, फाइलेरिया का मच्छर होता है, तो मतलब मच्छर के अंदर में ही पैरासाइट होता होगा, ढूंढे नहीं, नहीं ढूंढे कहाँ से, तो वुचेरेरिया आपको कहाँ से लगता है, मच्छर से, अरे तो वो मच्छर तो कैरी करता है ना पैरासाइट को, वेक्टर होता है, वेक्टर बताए थे ना, जैसे प्लाज्मोडियम, कुछ मच्छर जो होते हैं प्लाज्मोडियम को कैरी करते हैं, और आपको काट दिया प्लाज्मोडियम छोड़ दिया तो आपको मलेरिया हो गया। ठीक है, तो इसका वेक्टर कौन है, क्या ये डायरेक्ट आपको लग सकता है, डायरेक्ट तो लग ही सकता है, कहाँ रहता है ये, अगर हम बोल रहे हैं ये परजीवी है, तो ये परजीवी किसके ऊपर है, परजीवी वुचेरेरिया का हम पूछ रहे हैं, जाके ढूंढिएगा तो फाइलेरिया का वर्म कहाँ पाया जाता है, और मनुष्य को कैसे करता है, अगर हम ही लोग में रहता तो हम लोग सबको फाइलेरिया होता ना, हम ही लोग में पाया जाता तो हमेशा हम लोग को सब में को बहुत सारे लोगों को होता है, क्योंकि वो उसी का घर है हम लोग, लेकिन इसका जो वेक्टर कौन सा है ढूंढिएगा, वुचेरेरिया का वेक्टर कौन है, सवाल लिखिए, फाइंड दी वेक्टर ऑफ वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, मतलब वुचेरेरिया। ठीक है,
ढूंढ के बताइए, मतलब अभी नहीं, गूगल मत करिएगा, अभी जाके पढ़िए, ठीक है, प्लीज़ रीड इट। चलिए अब बोलिएगा, इसी के कारण बहुत सारी बीमारियाँ होती है जिसमें से एक फाइलेरिया है, ठीक है, ये लिख दिए, ये दो चार लाइन लिख दिए काफ़ी है ना। और ये पहला जीव है जहाँ ऑर्गन्स दिखता है, ऑर्गन सिस्टम, इससे पहले नहीं था ऑर्गन्स, वेल डिफाइंड ऑर्गन्स नहीं था, सब सेल सेलुलर लेवल, ठीक है ना, या ऑर्गन सिस्टम है, ठीक। चलिए एक और चीज़ होती है सिलोम, सिलोम के बारे में जान लीजिए। नंदन लिख के आया था इसलिए हमको बताना पड़ रहा है आप लोग को, नंदन को सब पीटना, ठीक है। सिलोम क्या होता है, जब हम लोग डेवलप करिए ये सिलोम समझाने के लिए ना, हमको आपको पूरा शुरू से बताना होगा कि जब आप जायगोट थे, जायगोट से कैसे डेवलपमेंट हुआ, लेकिन ये आपके काम का नहीं है तो इसको हम एकदम संक्षेप में समझा रहे हैं। सिलोम क्या होता है ना, शरीर के अंदर ही ऐसा आपका स्पेस है, सेलुलर स्पेस है, जो कि आपके अंग तंत्रिका को अच्छे से ठोस रूप में रखता है। कहने का मतलब है, अगर सिलोम नहीं रहा, मान लीजिए आज हम, आपका क्या नाम हुआ, सागर, नहीं सागर कहाँ है आज छुट्टी पे, आपका नाम क्या हुआ बच्चे, मनीष, हरीश, हरीश, अब हरीश का मान लीजिए सिलोम गायब कर दिया, हरीश दौड़ना चालू किया तो क्या हुआ, हार्ट इसके मुंह में आ जाएगा, समझे, हाँ, क्यों, सिलोम रहता है ना, तो जो भी अंग है हमारा वो अपने स्थान पे रहता है, वो जीव को कितना भी हिलाइएगा, ऐसा नहीं कि आपको उल्टा लटका दिए तो जो आपका पेट वेट है सब मुँह से बाहर आ गया, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो है सिलोम जो होता है बॉडी में अंगों को एक जगह अच्छे से स्थिर करके रखता है। अगर सिलोम को हटा दिया जाए तो आप दौड़ेंगे तो बोले अरे सब सिस्टम हिल गया, बोलते हो ना, अब कोई बोलेगा मेरा पूरा सिस्टम हिल गया, नहीं तुम्हारे पास सिलोम है, झूठ मत बोलो, है ना। तो सिलोम का ये काम है, ठीक है, सिलोमिक, उसी में डिफरेंट टाइप के सिलोम होते हैं, जिनके पास सिलोम नहीं होता है उसको हम बोलते हैं असिलोमेट, ठीक है, और जिनके पास थोड़ा मोड़ा होता है उसको बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट, और उसके बाद जिनके पास सिलोम होता है उसको बोलते हैं सिलोमेट। तो ये जो आपका राउंड वर्म है देखिए क्या है, सिलोमेट है। कहने का मतलब है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये भी बता दें, नंदन ट्रिप्लोब्लास्टिक भी लिखा है, सब उसको छोड़ देते हैं ना, छोड़ देते हैं, नहीं पार हो जाएगा, छोड़ देते हैं, ठीक, बता दें, तुम नीट का एग्जाम दोगे क्या देखो अच्छा चलो बताते हैं, जर्म लेयर्स, ओहो चलो थोड़ा सा बता ही देते हैं, तुम लोग नेट का एग्जाम में भी बैठ जाना जी, बायोलॉजी का, उसमें भी तुम लोग निकाल लोगे, अब नीट निकालोगे, नेट के लिए तो और चाहिए। देखो चलो एक शॉर्ट से बताते हैं तुम लोग को, जब स्पर्म और ये ओवा, ये मदर से ये फादर से, ये जब फ्यूज़ किया क्या बनाया, जाइगोट, ठीक है। अब क्या होता है, ये पहला दिन जब आप लोग पहले दिन थे आप ऐसे थे, ठीक है, अब क्या हुआ होगा, अब माता अच्छे से खा पी रही है, तुम ध्यान देना कितना भी हो जाए इंडियन कल्चर में गर्भवती महिला का बहुत ख्याल रखा जाता है, सास तो बहुत ख्याल रखती है, उसको सिर्फ पोता ही चाहिए होता है, पोता पोती चाहिए होता है, बहुत ख्याल रखेगी बहुरिया का उस टाइम, जैसे ही बच्चा होगा उसको लात मार देगी, ठीक है, और सौंठ का लड्डू खिलाया जाता है, मालूम है ना, सौंठ का लड्डू, आप की जनरेशन की लड़कियों को कुछ मालूम ही नहीं है, हे भगवान क्या होगा, लड़कों तुम लोग का घर कैसे चले, देख लो, यही हम लोग यही कर रहे हैं कि इसलिए बायोलॉजी सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, पढ़ किस लिए रहे हो, ताकि अच्छे से घर बनाओ, घर बनाओ, बच्चे करो, उसके बाद उन लोग को अच्छे से पालो, यही ना करना है जीवन में, और कुछ करना है,
है ना, स्पेस में चले जाओगे, मून वून में चले जाओगे, यही करोगे ना, सांसारिक दृष्टिकोण से यही करना है ना। तो जब वो ज्ञान ही नहीं रहेगा, डिल्यूट होते जा रहा है, तो फिर कैसे होगा काम। एनीवेज, अब ये जाइगोट डिवाइड करेगा, यही हमको पढ़ना है तीसरे सेक्शन में, सेल डिवीजन, विभाजन, सेल का विभाजन। तुम एक से दो सेल हुए होगे, ठीक है, एक से भले दो, दो से भले चार, दो के बाद फिर तुम चार हुए होगे। कैसे होता है ना, ये हम लोग एक एक स्टेप पढ़ते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी 6 महीने का क्लास, बहुत झेले हैं तुम लोग, इस शॉर्ट में बताना मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। अब चार से फिर क्या होगा, आठ, आठ से कितना होगा, 16। अब हम 16 तो बनाएंगे नहीं, चलो ऐसे ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है। जब ये 16 हो जाता है ना भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसी को बोलते हैं मोरूला स्टेज, ठीक है, जान लो मोरूला। इस टाइम सेल जो है ऐसे गुच्छा जैसा हो जाता है, लगता है तुम उस टाइम कैसे थे, जैसे ग्रेप्स होता है ना, अंगूर, अंगूर कैसे दिखता है, वैसे तुम 16 सेल के थे, कभी तुम 16 सेल के थे, सोच के देखो, इमेजिन करना कितना टफ है। और फिर क्या हुआ होगा, फिर तुम 16 से 32, 32 से कितना, 64, वो स्टेज में आए तो तुम एकदम गोल हो गए, मतलब खूब सारा इसी में गोल, ठीक है, एकदम बॉल ऑफ सेल्स बन गए तुम, बॉल ऑफ कोशिका, इसी को बोलते हैं ब्लास्टुला, ठीक है। चलो सब बता रहे हैं, ये अजय का काम है, हाँ पिटना कूटना जी, ठीक है, नंदन और अजय रिस्पॉन्सिबल इसके लिए। तो ब्लास्टुला, अब इस समय ये एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, इसको बोलते हैं गर्भधारण का पहला ट्राइमेस्टर। आपका बच्चा जो होने वाला है, अगला जनरेशन, और मतलब वो बिल्कुल जो गर्भवती महिला होती है उसका खसका हुआ रहता है, और ये भी बता दे रहे हैं उसका ब्रेन जो है ना श्रिंक भी कर जाता है उस टाइम के लिए। श्रिंक क्यों करता है पता है, बेबी नीड्स को समझने के लिए, तो कुछ नहीं सुनेगी आपका। अब देख लो मम्मी को, देख लो, तुम्हारे लिए पापा से लड़ जाती होगी, लड़ती है ना, देखिए मेरा बेटा को ऐसे क्या बोल रहे हैं, भाग्य बोलती है कि नहीं बोलती है, बेटा के लिए, बेटा बेटी दोनों के लिए इतना प्यार आ जाएगा ना, दुनिया का हर दर्द वो भूल जाती है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक है, दो तीन हॉर्मोन्स हम लोग हॉर्मोन टाइम में पढ़ेंगे, वो रिलीज होना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखा जा रहा है महिलाओं में ये कम होते जा रहा है, ठीक है, वही शैम्पू सेंट और ये सब। तो गर्भधारण से पहले ये सब बंद कर देना है, नहीं तो आपका बॉन्ड अच्छा नहीं बनेगा आपके बेबी के साथ, बाद में घर से निकाल देगा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सब। तो क्यों ऐसा होता है, इस स्टेज में बहुत ध्यान देना होता है अपने पार्टनर का, जरूर ध्यान दें, लड़कों तुम लोग को भी बोल रहे हैं, ठीक है, अपने पार्टनर का बहुत ध्यान रखें, एक दो प्रोटीन गिफ्ट कर दें, सिल्क की साड़ी है ना, खुश रहती है, अगर खुश रही तो एंडोर्फिन नाम का हार्मोन निकलता है, बहुत खुश रहेगी। ऐसे ही थोड़ी लड़की लोग एक फूल दे दो तो ओह माय गॉड कितना खुश हो जाती है, हार्मोन रिलीज होने लगता है उन लोग का, सच बता रहे, इट इज़ नो जोक। तो कीप हर रियली हैप्पी। और पता है बोलोगे अरे ये तो गोल्ड डिगर है, सुने हो ना, हाँ कि हमसे शादी कर रही है खाली पैसा के लिए, है ना भाई, उसको चाहिए, द मनी इज़ नीडेड। क्यों, लिपस्टिक तो भैया 800 रुपए का आएगा ना, मान लो 80 रुपए से लेकर 800, अरे 8000 का भी आता है, लेकिन वो चलेगा 3 साल। लेकिन लड़कियों को उतना पैसा क्यों चाहिए होता है, उन लोग के दिमाग में इनबिल्ट होता है, क्यों, उनको नेक्स्ट जनरेशन लाना है, तो उनके दिमाग में इननेट एबिलिटी होती है रिसोर्सेस कलेक्ट करने की, तो वो चाहती हैं कि और बड़ा अच्छे से रहें नेक्स्ट जनरेशन के लिए। अगर ऐसा कोई नहीं कहते कि हमको कुछ नहीं चाहिए, तो तुमको कुछ नहीं चाहिए तो उस दूरी रहो, चाहिए चाहिए कि नहीं, इसीलिए पढ़ रहे हो ना तुम लोग, तो दिस इज़ वेरी नेचुरल, ठीक है, वेरी नेचुरल, तो वो नेचर में ही होता है। और मेल का क्या है, वो लोग क्या करता है, वो लोग वर्क करता है, ये सब हॉर्मोन्स के कारण होता है, वी विल डिफाइन उसको, तुम सोसाइटी से हर एक हॉर्मोन को कैसे जोड़ोगे वो भी लिखवाएंगे, ह्यूमन बिहेवियर कैसे कंट्रोल होता है वो भी बताएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होता है, इस स्टेज में, ब्लास्टुला स्टेज में क्या हो रहा है, अब तुम्हारा सेल डिसाइड करेगा तुमको कौन सा पार्ट बनाना है। यहीं पे दो लेयर में अपने आप को विभाजित करता है ब्लास्टुला। पहला लेयर होता है, इसी को जर्म लेयर बोलते हैं, आपस में रीअरेंजमेंट शुरू होता है, रीअरेंजमेंट सेल्स का, कोशिका का रीअरेंजमेंट शुरू होता है। यहाँ अगर एक भी सेल मिस हुआ ना, एक भी सेल मिस हुआ, तुम्हारा हाथ या पैर नहीं मिलेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस, अंग का निर्माण होने का स्टेज। इसलिए पहला ट्राइमेस्टर गर्भधारण का बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहीं पे आपका बेबी जो है इस कोशिका का गोला से बढ़ के वो क्या है, एक फीटस में डेवलप हो रहा होता है। तो यहाँ पे जर्म लेयर्स होते हैं, तो पहला लेयर बन जाता है जर्म लेयर, बोला हम जर्म लेयर है। दूसरा जर्म लेयर अंदर में होता है, बाहर वाला को बोले एक्टोडर्म, नाम छोड़ दीजिए, बस जान लीजिए कि जर्म लेयर्स डिफाइन होते हैं। बाहर का हो गया एक्टोडर्म, अंदर का हो गया एंडोडर्म। ऐसा बाकी जीव में होता है, लेकिन हम लोग में एक और लेयर होता है मीजोडर्म। तो तीन लेयर होता है, अंदर वाला एंडोडर्म, मध्य वाला मीजोडर्म और बाहर वाला एक्टोडर्म। और ये तय करेगा आपका क्या क्या अंग बनना है, ठीक है। तो जिसके पास दो जर्म लेयर उसको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोले, जिसके पास तीन लेयर उसको बोले ट्रिप्लोब्लास्टिक। यहाँ देखिए ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड स्यूडोसिलोमेट एनिमल, ठीक है। और जो मीजोडर्म है बीच वाला ना, यही सिलोम बनाएगा, ठीक है, समझ गए, घुसा दिमाग में। हाँ हाँ, जुड़वा बच्चा क्या होगा ना, आप पे एक जायगोट हुआ ना, इस टाइम दो जायगोट हो जाएगा। हाँ, होमोजाइगोटिक ट्विंस, क्योंकि महिला के पास क्या, दो ओवरी है और एक समय में एक ओवरी से एक ही अंडाशय बनेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है दो भी बन जाते हैं और दोनों फर्टिलाइज हो गए, तो होमोजाइगोटिक ट्विंस। अब बोलते हैं 5 मिनट बाद पैदा हुआ, तो हो सकता है जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो सेकेंड टाइम में हुआ 5 मिनट बाद, ऐसा हो जाता है। और अभी क्या हो रहा है ना, सभी महिलाओं में PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कॉमन हो रहा है। ओवा क्या कर रहा है ना, उसमें बहुत सारे सिस्ट छोटे छोटे बन जा रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है, चौमिन चिल्ली MSG, खान पान सही से नहीं लेना, स्ट्रेस लेना और बहुत ज़्यादा, इसलिए फीमेल को स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, ये बहुत खराब हो रहा है। और पेस्टिसाइड, और जो अब सोचो एप्पल सिर्फ ठंड में होता है, हर दिन तुमको एप्पल मिल रहा है मार्केट में, वो कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है, उसका उत्पादन कैसे हो रहा है, सोचने की बात है। इसलिए खान पान पर ध्यान दें, स्पेशली महिलाओं को, ठीक है। तो होमोजाइगोटिक ट्विंस ऐसे ही होता है, ठीक है। हम लोग एसके हेलमेंट्स, प्लैटी हेलमेंट्स तक पढ़ लिए, लिख लिए, बाकी आप लोग लिखिएगा। मंडे को चलेंगे वर्टिब्रेट्स, ठीक है, थोड़ा सा इसको और देख लेंगे और फिर चलेंगे। खुद से लिख लोगे, चलो ऑल द बेस्ट, हैप्पी वीकेंड, और प्लीज़ पढ़िएगा सैटरडे संडे, वेस्ट मत जाने दीजिए, ठीक है, थैंक यू। देख लो एसके